एज छोड़ भरम तमे ब्रह्म विचारो, छोड़ भरम तमे ब्रह्म विचारो, तो खोज अंतरगत तेरा रे भाई, खोज अंतरगत तेरा। एज ज्योत प्रकाश लीजे घट अंदर, ज्योत प्रकाश निजे घट अंदर, गुर बिन गोर अंधेरा किया नींद सोवे मन मेरा। शाह समरण की वेड़ा मौला, समरण की वेड़ा किया नींद सोवे मन मेरा। खुदा हाजर इमाम रजातुल मोमिनीन वल मोमिनात रूहानी मां बाप सरकार नूर मौलाना शाह करीम के पाक मुबारक नाम पर इश्क और मोहब्बत से सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। दीनदारों, ये सताड़े के दौरान हम हमारे पीर संत रहमतुल्लाह अलैह रशीद गिनान का एक ग्रंथ है जिसे ब्रह्म प्रकाश के नाम से पहचानने में आता है। उस ग्रंथ के कुछ चुने हुए पाठों की कुछ समझ, कुछ इल्म ज्ञान हासिल करके बैतुल ख्याल के सताड़े जो मकसद से डालने में आते हैं, वो मकसद में हम कामयाब हो सके। बैतुल ख्याल के सताड़े ब्रह्म प्रकाश, रूहानी रोशनी हासिल करने के लिए डालने में आते हैं। वैसे तो रूहानी रोशनी पाने के लिए मोमिनों, हमें बैतुल ख्याल की इबादत और इसमें आजम देने में आता है, लेकिन ये सताड़ी की सात दिन की तस्वीर गिरियाजारी हमें जल्द कामयाबी देती है। अब मोमिनों, ये जरूरी नहीं है कि ब्रह्म प्रकाश के बारे में मैं जो समझण देने जा रहा हूं वही सच्ची है। नहीं दीनदारों, जैसे हजरत इमाम सरकार सुल्तान मुहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अमारा ज्ञान अने फरमानी हजारों मायना थाय छे, तो दीनदारों मैं शुरुआत करता हूं हजरत इमाम सरकार सुल्तान मुहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैह के एक फरमान मुबारक से। मौला ने फरमाया के मुर्तजा अलीए फरमायू छे के जेने पोताने ओळख्यो तेने जाने के खुदा ने ओळख्यो। तमे पोते खुदा नो दरज्जो समझो अने हकीकतना रस्ता थी वाकेफगार थाओ त्यारे तमे आजाद थशो। खुदा नो दरज्जो समझ्या अगाउ पोतानो दरज्जो समझो, त्यार बाद खुदाना दरज्जानी खबर पड़शे। खानावदान खानावदान सलात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। दीनदारों, ब्रह्म प्रकाश में जो इबादत की, बैठक की, इसमें आजम की, नाम स्मरण की बातें आई हैं, वो फिर शम्स ने अपने वक्त की जमात और माहौल को देख के ये बातें बताई है। आज के दौर में हम यही ब्रह्म प्रकाश, यही रूहानी रोशनी, हाजर इमाम जो हमें इबादत का तरीका बताते हैं, जो इसमें आजम देते हैं और जो वक्त इबादत का हमें बांध दिया है, उस पर चल के अमल करके हम वही रूहानी रोशनी हासिल कर सकते हैं जो फिर शम्स ने अपने ग्रंथ में बताई है। दीनदारों, मैंने शुरू में जो ज्ञान का पाठ दिया
और सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैह का जो फरमान सुनाया ना कि ब्रह्म को इलाही नूर को समझना है तो पहले अपने आप को पहचान। मौलाना हाजिर इमाम ने बैतुल ख्याल के एक फरमान में फरमाया कि बैतुल ख्याल इज अ पर्सनल इंडिविजुअल सर्च फॉर स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, यानी कि बैतुल ख्याल खुद की अंगत व्यक्तिगत खोज है, शोध है रूहानी खुशी के लिए। तो दिनदारों, मैंने शुरू में गिनान दिया उसमें भी आया कि खोज अंतर्गत तेरा, तेरे अंदर खोज कर शोध कर। सुल्तान मोहम्मद शाह ने भी यही फरमाया कि खुद का दर्जा समझो, खुद को पहचानो। और हजर इमाम ने भी फरमाया कि व्यक्तिगत खोज व्यक्तिगत शोध। तो दिनदारों, खोजना क्या है, क्या शोध करनी है? तो मोमिनों, ज्यादातर इंसान है ना, ये भ्रम में, इल्यूजन में, भ्रमणा में है कि हम इंसान एक हड्डी चमड़े गोश्त का एक ढांचा है। इंसानी जिस्म मिला है, कुटुंब परिवार करो, धंधा बिजनेस करो, खाना पीना खाओ और आखिरकार मर जाना है, बस। नहीं दिनदारों, इंसानी जिस्म इसलिए मिला है कि इस इंसानी जिस्म में रह के हमारे अंदर रही हुई इलाही ज्योत, हमारा रूह जो इलाही नूर का एक अंश है, उस हकीकत को पहचान के और आखिरकार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह में से आए हैं और उसी में एक हो जाना है, और ये मकसद हासिल करने के लिए जरूरत पड़ती है मुर्शिद की, घुर की। और वो गुर मुर्शिद है जमाने के इमाम हाजर इमाम, और इस गुर मुर्शिद के पास से बैतुल ख्याल में हमें जो बोल मिलता है, जो इस्मे आजम मिलता है, जो सच शब्द मिलता है, जिसे पीर शम्स ने अपने ग्रंथ ब्रह्म प्रकाश में इस तरह बयान किया, सत शब्द है गुरु हमारा, सत शब्द है गुरु हमारा, ताकोल खेनयो संसारा, ताकोल खेनयो संसारा, सत शब्द का करो विचारा, सत शब्द का करो विचारा, पीर शाह कहो जी वारम वारा, रे पीर शाह कहो जी वारम वारा। हम इसका भावार्थ समझे इसके पहले मैं मौलाना हाजर इमाम का एक फरमान जो बैतुल ख्याल में हाजर इमाम ने फरमाया। मौला फरमाते हैं, मारा वहला रूहानी बचाओ, अमोए आ बोल आखा समूह ने ग्रुप ने आपेल छे।
પણ આ બોલ લીધા પછી દરેક રૂહાની બાળકની સાથે અમારો વ્યક્તિગત સંબંધ રહેશે. આ શબ્દ એક એક મુરીદના સાથેની વ્યક્તિગત લિંક જોડાણ છે. અમોએ જે બોલ તમને આપેલ છે એ અમારું નૂર છે. હાનવદાન હાનવદાન. અબ મેં જ્ઞાન કે સમજ દું કે યે સચ શબ્દ બોલ ઇસમે આઝમ ભી એક ગુર હૈ જો ગુર મુર્શિદ કે મુખ મુબારક મેં સે હમકો મિલતા હૈ. ઉસે યે સંસાર નહીં સમજ સકતા, યાને સંસારી જીવ ઉસકા મર્તબા નહીં પહેચાન સકતા. તો યે નૂર લેને કે પહેલે યે સચ શબ્દ રૂપી ગુર કો બોલ કો અપને અંદર ઉતારને સે પહેલે દિનદારો સચ શબ્દ કે બારે મેં સોચ કે વાકઈ તુઝે બોલ સચ શબ્દ લેના હૈ, તું ઇબાદત કર સકેગા. તો સબસે પહેલે કોઈ એક પવિત્ર જાહેરી નામ કી પ્રેક્ટિસ કર. જૈસે પીર શમ્સ ને ફરમાયા કે પીર શાહ, પીર શાહ યાને યા અલી યા મોહમ્મદ, ઉસસે બંદગી કી પ્રેક્ટિસ કર. બાર બાર પીર શાહ પીર શાહ કા વિર્દ કર, રટણ કર. જૈસે દિનદાર મૌલાના હાજર ઇમામ ને કઈ ફરમાનો મેં ફરમાયે હૈ કે દિન કે દરમિયાન કોઈ ના કોઈ નામ કી યાદી મેં રહો. યા અલ્લાહ કહો, યા અલી કહો, યા મોહમ્મદ કહો વગેરા. મોમિનો, બુઝુર્ગો કે પાસ સે એક બાત સુની હુઈ હૈ, યે સચ શબ્દ લેને કે પહેલે પ્રેક્ટિસ કરને કી બાત ક્યો કહેને મેં આઈ હૈ કે ભાઈ વાકેઈ સચ શબ્દ લેના હૈ, બોલ લેના હૈ તો અપને આપ કો પ્રિપેર કરો. તો મેને અર્થ કી કે બુઝુર્ગો કે પાસ સે એક બાત સુની હુઈ હૈ ઓર વાયજિન ડાયજેસ્ટ નામ કે પુરાને મેગેઝિન મેં બંદગી કે લેખ મેં ઇસ બાત કા જિક્ર હૈ કે ઇમામ હસન અલી શાહ સલવાતુલ્લાહ અલૈહ ઓર અલી શાહ સલવાતુલ્લાહ અલૈહ ઓર કુછ વક્ત સુલતાન મહમ્મદ શાહ સલવાતુલ્લાહ અલૈહ કે વક્ત મેં અગર દિનદારો કોઈ સચ શબ્દ યાની ઇસમે આઝમ કી ઉમેદવારી કરતા થા ના કે ભાઈ મેરે કો બોલ લેના હૈ, મુજે મૌલા કે પાસ સે સચ શબ્દ લેના હૈ, તો મોમિનો પહેલે દો તીન મહિના ઉસે પીર શાહ કે શબ્દ સે પ્રેક્ટિસ કરાને મેં આતી થી. ઉસે કહેને મેં આતા થા કે તીન મહિના તું હૈ સો યે પીર શાહ પીર શાહ પીર શાહ ઉસકી પ્રેક્ટિસ કર. ઓર સરકાર સુલતાન મહમ્મદ શાહ કા એક ફરમાન ભી હૈ બૈતુલ ખયાલ કે અંદર કે અગાઉ 70 વર્ષ સુધી જ્યારે ઇમામના ઘરની ખિદમત કરતા હતા ત્યારે બૈતુલ ખયાલ અર્પણ થતું હતું. તો દો તીન મહિના ઉસે પીર શાહ કે શબ્દ સે પ્રેક્ટિસ કરને કો કહેને મેં આતા થા ઓર બાદ મેં ઉસકો બોલ કી નવાજિશ હોતી થી, સત શબ્દ કી નવાજિશ હોતી થી. તો શાયદ ઇસી મકસદ સે પીર શમ્સ ને ફરમાયા હોવે પ્રથમ ધ્યાન રસના સો કે જે પ્રથમ ધ્યાન રસના સો કીજે નિશ દિન પીર શાહ પીર શાહ ભણી જે હારે નિશ દિન પીર શાહ પીર શાભણી જે તેના માસ રસના બી ચરહી
रसना बीच रहिया, पीछे नाम ब्रह्म सुकहिया। हरे पीछे नाम ब्रह्म सुकहिया। पहले अपनी रचना यानी जीभ से ध्यान धर, यानी बिंदारो होठ बंद हो और अंदर जीभ हिला के अली 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 या तो पिरशा 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 यानी या लिया मोहम्मद या लिया मोहम्मद या लिया मोहम्मद कह के एकाग्रता की प्रैक्टिस कर। मौलाना हाजिर इमाम पाकिस्तान के दौरे के ऊपर थे, धार्मिक कामकाज थे, बैतुल ख्याल के बोल का प्रोग्राम था। मैं क्यों एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्यों हमको इसमें आजम लेने के पहले थोड़ी तैयारी करनी चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि इसमें आजम लेने के बाद हम जो मौला को वादा करते हैं कि बंदगी कर सकेंगे वो वादा हम पूरा कर सकें। तो मौलाना हाजिर इमाम पाकिस्तान के दौरे पर थे, धार्मिक कामकाज थे, बैतुल ख्याल के बोल का प्रोग्राम था, सिंध हैदराबाद के अंदर बोल देने को आए मौलाना हाजिर इमाम, सच शब्द की नवाजिश करने को आए। और सच शब्द नवाजिश करने के पहले मौलाना हाजिर इमाम फरमान फरमाने के लिए खड़े हुए। मौलाना हाजिर इमाम फरमाते हैं, मेरे प्यारे रूहानी बच्चों, वही लोग यहां बैठे जो बोल लेने के बाद इबादत बराबर कर सकेंगे। अगर अभी आप तैयार नहीं हैं तो आप जा सकते हैं, और एक दो साल के बाद जब आपको लगे कि आप अभी इसमें आजम लेने को तैयार हो गए हैं तो आप हमारे पास आना, हम आपको बोल देंगे। दिनदार और मौलाना हाजिर इमाम थोड़ी देर ठहर गए। उस वक्त दो तीन जवान लड़के तकरीबन 25-30 साल की उम्र के वो उठे और आहिस्ता आहिस्ता वो दरवाजे के बाहर निकल गए। बाद में दरवाजा बंद कर देने में आया। जब वो बच्चे बाहर चले गए ना मोमिनों, तो मौलाना हाजिर इमाम फरमाते हैं, मेरे प्यारे रूहानी बच्चों, आप में से शायद किसी ने यह ख्याल किया होगा कि ये बच्चे क्यों निकल गए, क्यों निकलते हैं, क्या इनको यकीन नहीं है वगैरह वगैरह ख्याल कुछ लोगों ने किया होगा। लेकिन मेरे प्यारे रूहानी बच्चों, ये जो बच्चे बाहर निकल गए, जो अपनी सच्चाई खुलूस दिली हाजिर इमाम के सामने जाहिर कर दी और वो बाहर निकल गए, मेरे रूहानी बच्चों, ऐसा हो सकता है कि जब ये बच्चे कुछ वक्त के बाद मेरे पास आएंगे बोल लेने के लिए, तो शायद तुम्हारे में से कई रूहानी बच्चे जो अभी मेरे पास इस्मे आजम ले रहे हैं वो बंदगी न करने की वजह से अपना बोल भूल चुके होंगे या बोल में शक आया होगा। खानावदान खानावदान दिनदारों, इसके बाद की वाइज हम कल आगे बढ़ाएंगे। मौलाना हाजिर इमाम आप जुमला जमात को सुखी सलामत और आबाद रखें। सलवात पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। खुदा हाजिर इमाम नजातुल मोमिनीन व मोमिनात रूहानी माँ बाप सरकार नूर मौलाना शाह करीम के पाक मुबारक नाम पर इश्कर मोहब्बत से सलवात पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। दिनदारो, कल पहले सताड़ी की वाज के अंदर हमने ब्रह्म प्रकाश के
कुछ पाठों का माना हासिल किया। सत शब्द है गुरु हमारा, ताको लखे न यो संसारा, के इस शब्द के तोले दुनिया की संसार की कोई चीज नहीं आ सकती है। जैसे सरकार सुल्तान मुशाह ने अपने एक फरमान मुबारक के अंदर फरमाया कि एक तरफ इबादत अने एक तरफ आखी दुनियानो माल, एटलू इबादत नू जबरू वजन छे। सत शब्द का करो विचारा, पिरशा कहो जी वारंवारा, प्रथम ध्यान रसनासु कीजे, निशदिन पिरशा पिरशा भणीजे, तीन मास रसना बिच रहिया, पीछे नाम ब्रह्म सो कहिया। के ये सत शब्द लेने के पहले तुम अपने आप को बराबर तैयार करो, रोज थोड़ी प्रैक्टिस करो, दो तीन महीने के प्रैक्टिस के बाद लगे कि अब मैं तैयार हो गया हूं वो ब्रह्म प्रकाश नूर रूपी नाम लेने के लिए, तो ए जी ज्योत प्रकाश लीजिए गट अंदर, गुर बिना घोर अंधेरा। मौलाना हाजिर इमाम जब भी तशरीफ लाए और जब भी धार्मिक कामकाज हो और हाजिर इमाम के तरफ से ये हुक्म हो कि मैं इसमें आजम देना चाहता हूं, उस वक्त हम इसमें आजम लेने को जाएं, लेकिन उसके पहले हम पूरे पूरे मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाए वो रूहानी रोशनी हासिल करने के लिए, ब्रह्म प्रकाश पाने के लिए। सत शब्द जो गुर है, जो ज्योत प्रकाश है, उसके लिए तैयार है तो मुर्शिद भी तुझे वो नाम देने को तैयार है। और मोमिनों, जब वो सत शब्द इसमें आजम बोल तैयारी के साथ अपने अंदर उतरता है ना, तो उसे कुछ अनुभव कुछ तजर्बे होते हैं। कैसे तजर्बे होते हैं, कैसा एक्सपीरियंस होता है, तो पीर शम्स ने आगे फरमाया, नाम लेता भया प्रेम प्रकाश, हरे नाम लेता भाया प्रेम प्रकाश, तब उपजिया मन विश्वास, हरे तब उपजिया मन कहो प्रेम लक्ष्य कैसा रे भाई, कहो प्रेम लक्ष्य कैसा रे भाई, गुप्त भेद कहूं प्रगट बताई, हरे गुप्त भेद कहूं प्रगट बताई। मोमिनो, सच शब्द को समझा, सच शब्द की समझ हासिल करके मौला के पास गए और सच शब्द बोल ले आए, बोल हासिल करने के बाद उसकी प्रैक्टिस शुरू की, यानी इबादत करना शुरू किया, और जैसे जैसे वो प्रैक्टिस मजबूत होते गए तो उसके रिजल्ट उसके नतायज आने के शुरू हुए। वो सच शब्द हमारे अंदर फैलने लगा और ऐसा फैलने लगा कि पीर सदरुद्दीन ने एक अपना अनुभव बताया, रे सखी सगड़ा रो मेरो
ओम के लागा जपवाने तारे सगणाते घटना चोर के लागा छिपवाने तारे सगणाते घटना चोर के लागा छिपवाने। मोमिनो, जैसे कोई टॉनिक या टैबलेट हम लेते हैं तो वो हमारे लीवर में जाके और बाद में वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे खून में ब्लड में उसके असरात पहुंच जाते हैं ना, इसी तरह सच शब्द जो है वो हमारे अंदर फैल जाता है और एक धुन एक लय बन जाती है। वो धुन इलाही धुन होती है, वो लय इलाही लय होती है। और जैसे पीर शम्स ने कहा ना कि नाम के विर्त से, नाम के रटन से एक प्रेम की मोहब्बत की रोशनी फैल गई अंगों अंग के अंदर, तो उसकी निशानी क्या, उसका लक्षण क्या? तो फरमाते हैं कि वो राज, वो सीक्रेट, वो गुप्त भेद मैं जाहिर करता हूं। मोमिनो, जैसे पीर सदरुद्दीन ने फरमाया ना, इस सखी सहज अनुपम सार पलंग परवारी रे, हूं तो प्रेम पिया जिने पास दुख विसारी रे, हूं तो प्रेम पिया जीने पास दुखड़ा विसारी रे। ऐसा प्रेम फैल जाता है कि सदरुद्दीन कहता है कि मैं इसकी मोहब्बत के आगे ये सब दुनिया के जो दुख है वो सब भूल जाता हूं। और सदरुद्दीन एक गिनान के अंदर तो फरमाते हैं, सत सबुरी सो आपे रहे, सत सबुरी सो आपे रहे, सुख दुख दिल का अली ने कहे, सुख दुख दिल का अली ने कहे। बस वो मौला के प्रेम के अंदर वो मशगूल हो जाता है दिलदार। उसकी निशानियां क्या, मेरे दिल रूपी बिस्तर पर खूबसूरत बिछोना अनुपम सेज बिछाई है और उस सेज पर अपने मौला के पास बैठ के उसकी मोहब्बत में उसके प्रेम में दुनिया के सब दुख और गम को मैं भूल गई। दिनदारो, हजरत इमाम सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैह ने बम्बई में 5 अप्रैल 1893 में अपने फरमान में एक वाक्या सुनाया है। आपके ख्याल में भी होगा शायद कि कितने लोग मुर्तजा अली के बारे में कुछ निंदा कुछ गिला गिबत करने लगे। कहते थे कि मौला ने फरमाया है कि मेरे दोस्तों को आग असर नहीं करेगी, जो मुझे चाहते हैं जो मुझे प्यार करते हैं ऐसे मेरे प्यार करने वाले मुरीदों को आग असर नहीं करती, लेकिन देखो अभी आग में उसका दोस्त जलेगा ना, तब हम मौला अली को ताना मारेंगे कि आप तो फरमाते थे ना कि मेरे दोस्तों को चाहने वाले को आग असर नहीं करती है। दिनदारो, हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाते हैं कि जब अली के दोस्त जिसका नाम सफान था उसे
लकड़ियों में खड़ा करने में आया और आग जलाने में आई, तब वो आग सफान को असर नहीं करी। सरकार सुल्तान शाह ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह, तुम भी मौला मुर्तजा अली के चाहने वाले दोस्त हो, तुम्हें भी आग असर नहीं करेगी। दिनदारो, ये मिसाल ये दाखले की रूहानी फिलोसॉफी क्या होगी, क्या हो सकती है? हम समझे इसके पहले हम ब्रह्म प्रकाश के दूसरे पाठ सुने। गद गद लहरी प्रेम के ओठे, गद गद लहरी प्रेम के ओठे, ताबिचशीरी मुख के छूटे, हारे ताबिचशीरी मुख के छूटे, होता गला गली सुख में अगाई, होता गला गली सुख में अगाई, ताबिच मनवा रहिया समाई, हारे ताबिच मनवा रहिया समाई। चले त्रट जहां प्रेम की धारा, चले त्रट जहां प्रेम की धारा, पीवत प्रेम होवत मातवाला, हरे पीवत प्रेम होवत मातवाला। दिनदारो, तीनों पाठ में इश्क के हकीकी रूहानी इश्क की बात कहने में आई है कि मेरे अंदर इश्क इलाही की ऐसी लहर उठती है, ब्रह्म प्रकाश प्रेम का प्रकाश बन जाता है। दिनदारो, अब जो मैं बात आपके सामने रखता हूं, अपने ख्यालात रखता हूं, उसके ऊपर आप तवज्जो दें कि नूर जो है इबादत में, नूर की प्राप्ति जो है वो शुरू में मोहब्बत की प्रेम की शक्ल में हमें मिलना शुरू होती है। नूर हमें देने में आता है ऐसे छोटे छोटे तबके में, और ये हाईएस्ट स्टेज पर जाने की, फना फिल्ला तक पहुंचने की ये शुरुआत है। हम राह देखते हैं कि नूर कब मिलेगा, कब दिखेगा, तो दिनदारो ये इश्क इलाही भी नूर की एक शक्ल है। इबादत के लिए उठ के सुबह को बैठना, इसकी माना ये भी हो सकती है अपने नींद की कुर्बानी देना, सतारे में सात दिन बराबर आना, तस्बीह और इबादत में शामिल होना, ये मोहब्बत है दिनदारो, ये मोहब्बत है। और मोमिनों, हमारी पर्सनालिटी में, हमारी वर्तणूक में फेरफार होना शुरू होता है कि पहले मुझे मेरे जीव की कोई फिक्र नहीं थी, कोई बेदारी, कोई जागृति नहीं थी, ये जीव की और रूह की फिक्र, ये मोहब्बत का इजहार है। और हजरत इमाम सरकार सुल्तान मुहम्मद शाह ने जो सफान का दाखला दिया ना,
मौलाना सरकार सुल्तान मुशा ने उसकी रूहानी माना, ये भी हो सकती है कि मौला के आशिक के ऊपर जब कोई दुनिया की मुश्किल तकलीफ आती है तो उसे वो दुख वो पीड़ा असर नहीं करती है। जो मौलाना हाजर इमाम ने अपने जमात खाने के फरमान मुबारक के अंदर मौला ने फरमाया जमात खाने की हाजिरी के बारे में और इबादत बंदगी में सुख की बात जो मौला करते हैं ने, तो मौला क्या फरमाते हैं कि दुनियावी तकलीफों मुश्किलियों तमने असर नहीं करे, दुनियावी तकलीफों मुश्किलियों तमने असर नहीं करे, जैसे सफान को आग ने असर नहीं किया, यानी उसने अपने मौला से नाता नहीं तोड़ा। लगड़ी रे प्रीत हम नेह क्यों छोड़ो, धर सिर करवत हम अंग न मोड़ो। उसका मनवा सफान का मनवा वो रूहानी प्रेम का अनुभव चख रहा था दिनदारों। उसके दिल में मौला के प्रेम की धारा बह रही थी और वो इसके हकीकी को पी रहा था। जैसे और जिनान में फरमाया है ने, प्रेम रस को प्यालो पीनो अंग भायो मत वालो रे पर बाफाटी रैन बियानी। प्रेम रस की जानी अंग में पड़ियो जानो रे चरण के बल बल जाओ कहे छे इमाम शाह बालो रे पर भाफाटी। ये सब प्रेम के लक्षण है, प्रेम की निशानियां हैं। बंदा बुराइयों से दूर रहने की कोशिश करता है, ये नूर का मिलना है। पहले पद और प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए दौड़ता था, जब मोहब्बत पैदा नहीं हुई थी ना जिंदारो इश्क हकीकी, तो पद और प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए दौड़ता था। अब पद और प्रतिष्ठा खुद ब खुद आवे तो कबूल करता है। ये प्रेम लक्ष्य है, इश्क हकीकी की निशानी है। आवे बड़ाई तो सिर पर लेना, मौला की तरफ से कोई भी बड़ाई मिले, आवे बड़ाई तो सिर पर लेना, जप तप क्रिया बोत ज करना ए बीतिए तमें, जिसको बड़ाई साहेब देवे, जिसको बड़ाई साहेब देवे, अरज तस्बी साहेब जी के करनाए भी तैये तमें। कैसी कैसी चीजें हमारे ज्ञानों के अंदर हमको बताने में आई। फिर शम्स ब्रह्म प्रकाश ग्रंथ के अंदर आगे फरमाते हैं जिंदारो, छकी कर बकिया अन भैबानी, छकी कर बकिया अन भैबानी, दूर पहुंचे की ये ही निशानी हरे, दूर पहुंचे की ये ही निशानी, ब्रह्म सुख की क्या कहूं वडाई, ब्रह्म
सुख के क्या कहूं वडाए महिमा अधिक कहीं न बजाए हरे महिमा अधिक कहीं न बजाए। दिनदारों हम कल इस मौजू के अंदर आगे बढ़ेंगे। मौलाना हाजर इमाम के पास दुआ गुजारी करें। खुदा ने हाजर इमाम जुमला जमात को सुखी सलामत आबाद रखे और रूहानी रोशनी नसीब करे। जमात है जिंदा। सलवात पर अल्लाहुमा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ब्रह्म सुख की क्या कहूं वडाए ब्रह्म सुख की क्या कहूं वडाए महिमा धी कहीं न बजाए हरे महिमा अधिक कहीं न बजाए। खुदा ने हाजिर इमाम नजात और मोमिनिल व मोमिनात रूहानी माँ बाप सरकार नूर मौलाना शाह करीम के पाक मुबारक नाम परिष्कर मोहम्मद से सलवात पर अल्लाहुमा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। कल हमने इस पाठ के ऊपर अपने मौजू को छोड़ा था। छकी कर बकिया अनभय बानी दूर पहुंचे की यही निशानी ब्रह्म सुख की क्या कहूं वडाई महिमा अधिक कही न ऊंचाई। दिनदारों इश्क इलाही में बंदा इतना खो जाता है कि वो किसी से डरता नहीं है, सिर्फ अल्लाह की मौला की नाराजगी से डरता है। कभी कभी इश्क इलाही में उसकी हालत उस चरवाहे भरवाड़ के जैसी हो जाती है जो हजरत मूसा के वक्त में हो गया। आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के अंदर एक भरवार था, चरवाह था, जो मोहब्बत की मस्ती के अंदर इतना मशगूल हो गया कि वो अपनी मोहब्बत की मस्ती में कहता है कि ऐ अल्लाह तू मेरे पास आ, मैं तेरे बालों में तेल डालूं, तुझे कंघी कर दूं, तुझे मेरी बकरियों का दूध पिलाऊं, वगैरह वगैरह वगैरह। जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नाराज हो गए थे, लेकिन फिर अल्लाह ने उसे फरमाया कि ऐ मूसा वो मेरी मोहब्बत के अंदर मुझे इस शक्ल के अंदर देखता है। तो दिनदारों ये एक तजर्बा है, ये एक अनुभव है कि छक जाता है, छकी कर बकिया अनबहवानी, उसको पता नहीं है कि मैं क्या कहता हूं। जैसे फिर सदरुद्दीन माँ आपने फरमाया अपने एक ग्रंथ भुज निरंजन में, प्रेम प्यारे का जबा होवे हरे प्रेम प्यारे का जबा सब दिल थी खोवे
सब देल थी खोवे। कबुए कहसे कबुए करोवे, हरे कबुए कहसे कबुए करोवे, कबुए कलग पिया गल सोवे, रेहा कबुए का लग पिया गल सोवे। कितनी मोहब्बत की बात की कि मौला का जब प्यार हो जाता है तो होश सब उड़ जाता है, और ऐसा उड़ जाता है कि कभी वो मौला की मोहब्बत में हंसता है, कभी रोता है, कभी ऐसा महसूस करता है कि अपने पिया को गले लगा के वो पिया के साथ, मालिक के साथ वो सोया है, खुदा के नूर के साथ। यानी ऐसी मस्ती छा जाती है कि नाम लेता भया प्रेम प्रकाश, गद गद लहरी प्रेम की उठे मोहब्बत, इसके इलाही की लहरें उठती है, इसके इलाही की एक लहर बहती रहती है, और ऐसे ब्रह्म सुख की, ऐसे इलाही सुकून और इलाही मस्ती की शम्स कहते हैं कि और क्या ज्यादा बातें करो, महिमा अधिक कुछ कही न जाए, और कैसे कहो क्या कहो। नाम ही बीच रहिया नवमासा, नाम ही बीच रहिया नवमासा, ध्यान ओही सुख विलासा, हरे ओही ध्यान ओही सुख विलासा। पाछमा दिशा होई चढ़े आकाशा, जाई देखिया आगम तमाशा, हरे जाई देखिया आगम तमाशा। मुसलसल सतत नाम की प्रैक्टिस से, रोजाना डिसिप्लिन के साथ इबादत करने से, डिसिप्लिन यानी के तो जैसे हजरत इमाम सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह ने झंगबार के अंदर झंझीबार में 17 सितंबर 1905 के एक फरमान मुबारक में फरमाया, तवज्जो देना दीनदारों, तमे रातना बंदगी करो, तमे रातना बंदगी करो, अने दिवस से गुनाना काम करो, तमे हराम खोरीना तथा दुश्मनीना काम करो, नाफरमानीना काम करो, बद नजर करो, परायो माल खाए जवो, आवा गुनाना काम करो तो ए इबादत काई कामनी नथी। तो दीनदारो हकीकी मोमन जब ऐसे गुनाहों से दूर रह के जब नाम का विर्त करता है, नाम का रटन करता है, इबादत करता है, तो वो ब्रह्म प्रकाश यानी रूहानी रोशनी यानी इलाही नूर पाने की खोज में और आगे वो बढ़ता जाता है, और उसे
अलग अलग किस्म के अनुभव और तजुर्बात होते हैं, अजीबो गरीब चीजें महसूस होती हैं। क्या महसूस करता है, क्या अनुभव करता है, तो सुनो। जर मरवर से सुख माना मेहा, जर मरवर से सुख माना मेहा, रहे निरंजन जहां पण देहा, रे रहे निरंजन जहां वर्ण देहा। यानी सुखमणा में एक खुशी की हल्की हल्की बरसात बरसती है और वहां एक जसम बगर की एक हस्ती यानी इलाही रोशनी रहती है। जैसे मोमिनो एक और गिनान में आया, उमा अमरत वरसे कल पड़े, गत महे वर से नूर अमीना छाटा मर दो वरसी रया, जुमले होशे जय जय का। यानी वहां, यानी वहां कहा न, जरमर वर्षे सुखमणा मेहा रहत निरंजन जहां वण देहा, उवा यानी वहां एक अमृत की एक नूर की बारिश होती है। जैसे गत में नूर बरसता है, इबादत के इंसान को यह महसूस होता है कि वो इबादत में बैठा है तो एक नूर की बारिश वो महसूस कर रहा है। अमीना छाटा मर्दो वर्षी रहा, जुबले हो से जय जयकार। आगे फिर शम्स फरमाते हैं, अखंड शब्द खंडतना हो अखंड शब्द खंडतना होई, निशदिन रहे त सूरत में सोई, हरे निशदिन रहे त सूरत में सोई, अमरा शब्द मरे नहीं जाही, अमर शब्द मरे नहीं जाही, रही सूरत ताबीच समाई, हरे रही सूरत ताबीच समाई। याने इस्मे आजम का जाप अतूट टूटे बगर का रहता है और ध्यान में ख्याल में चलते ही रहता है। अखंड शब्द खंडत न हुई और हाजिर इमाम वक्तन फवक्तन बैतुल ख्याल के फरमान के अंदर ये चीज पे बहुत जोर देते हैं दीनदारों
के शब्द ऊपर तुम्हारी एकाग्रता टूटे नहीं, एनु तमे ध्यान रखो कि मैंने शब्द शुरू किया वो शब्द अखंड रहवे के पिरशा पिरशा अली 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 अली, तो जो अली की जो धारा है वो निश्चिन रहे तो सूरत में सोई, अमर शब्द मरे नहीं जाही रही सूरत ता बीच समाई। यानी इसमें आजम का झांप अटूट रहता है, बगैर टूटे का रहता है और ध्यान में ख्याल में चलते ही रहता है। ये शब्द नाम का विर अमर हो जाता है, भूले नहीं जाता है। सूरती यानी एकाग्रता उसी में रहती है, जैसे मैंने आगे कहा कि वो हमारे अंदर फैल जाता है, रोम रोम रोंगटे रोंगटे के अंदर, जैसे गिनान में कहा ना, हाथ विच काम मुख विच नाम, हाथ विच काम के हाथ के भी अंदर काम है, हाथ से काम करते हैं, मुख विच नाम ऐसो ऐसो सामीरा जो समरिए। इस तरीके से मौला का स्मरण करो कि तुम्हारा काम भी चलता रहे और मौला का स्मरण भी चलता रहे। वो अपने काम भी करता है और खुद के ख्याल में भी रहता है। कैसे? तो एक मिसाल एक सूफी ने दी है। सूफी कहता है कि मैं एक दुकान के पास से निकला है, सूफी एक दुकान के पास से निकला और दुकान के पास जो मंजर देखा ना, जो देखाओ देखा ना, तो सूफी कहता है कि मैं थोड़ी देर ठहर गया कि दुकान के वो थड़े के ऊपर, यानी जहां वो मालिक बैठता है लेन देन के लिए, एक बाई को देखा, बाई बैठी है, वो एक साथ में तीन काम करती है। तीन काम क्या करती है कि एक काम करती है हमाम दस्ते से, यानी जिसको हम खंडड़ी दस्ता कहते हैं ना, वो खंडड़ी में चावल है उस चावल को कूटती है दस्ते से, एक हाथ में दस्ता है और एक हाथ से चावल को ऊपर नीचे करती है और दस्ता मारते रहती है। दूसरा काम क्या करती है, गोद में बच्चा है, सूफी देखता है कि बच्चे को वो दूध भी पिला रही है और बच्चा चिपका हुआ है। और तीसरा काम क्या करती है कि ग्राहक के साथ वो लेन देन की बात भी करती है, मगर उसका ध्यान जो है, उसकी एकाग्रता जो है, वो दस्ता के हाथ में लग न जाए। जो हाथ से चावल ऊपर नीचे करते हैं ना, अपने वो गामड़े के अंदर ऐसे देखा वो देखने मिले, तो हाथ को दस्ता लग न जाए वो चावल ऊपर नीचे करते हुए। तो सूफी कहता है कि सलाम तेरी एकाग्रता को, कि तेरी ये एकाग्रता के बच्चे को दूध भी पिलाती है और ग्राहक के साथ बात भी करती है और वो दस्ते से चावल भी कूटती है, लेकिन ध्यान है कि मेरे हाथ के ऊपर दस्ता लग न जाए, न तो मेरा हाथ बेकार हो जाएगा। आगे फिर शम्स फरमाते हैं, शब्द डोला भवे नहीं डोले, शब्द डोला भवे नहीं डोले, शब्द तोलता ही को शब्द तोलता ही कौन तोले। सूरती शब्द का जहां है वासा, सूरती शब्द का जहाँ है वासा, जहाँ नहीं धरण नहीं आ
शाहारे जहाँ नहीं धरण नहीं आकाशा। इसका खुलासा हम कल की वाइज में आगे करेंगे। खुदान हाजर इमाम आप जुबला जमात को सुखी सलामत आबाद करें और मौला रूहानी रोशनी नसीब करें। उर्गत जमात के है जिंदा सलवात पढ़ो अल्लाहुमा सली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद। खुदावंद हाजर इमाम नजातुल मोमिनीन वल मोमिनात रूहानी माँ बाप सरकार नूर मौलाना शाह करीम के पाक मुबारक नाम पर इश्क और मोहब्बत से सलवात पढ़ो। दिन दारो सत शब्द है गुर हमारा ताको लखे न यो संसारा सत शब्द का करो विचारा पिरशा कहो जी वारम वारा प्रथम ध्यान रसनासु कीजे निष्दिन पिरशा पिरशा फणीजे तीन मास रसना बिच रहिया पीछे नाम ब्रह्म सो कहिया कहो प्रेम लक्ष्य कैसा रे भाई गुपत भेद कहो प्रगट बताई नाम लेता भया प्रेम प्रकाशा तब उपजिया मन विश्वासा गद गद लहरी प्रेम की उठे ता बिच शीरी मुख की छूटे होत गल गली सुख में अगाई ता बिच मनवा रहिया समाई चले त्रट जहां प्रेम की धारा पीवत प्रेम होवत मत वाला छकी कर बकिया अनभयवानी दूर पहुंचे की यही निशानी ब्रह्म सुख की क्या कहूं वडाई महिमा अधिक कही न उजाई। तकरीबन इतने पाठ की हमने माना समझी। कल हमने जहां से छोड़ा था शब्द अडोल भवे नहीं डोले शब्द अतोल ताही कोण तोले सुरती शब्द का जहां है वासा जहां नहीं धरण नहीं आकाशा। यानी मोमिनो शब्द बोल जो वो है वो इतना मजबूत हो जाता है स्ट्रांग हो जाता है कि जैसे पहाड़ को कितने भी तूफान आए तो वो अपनी जगह से हटता नहीं है। शब्द अडोल यानी कई मरतबा हम लोग शिकायत करते हैं कि स्मरण में वृद्ध में जिक्र में ध्यान नहीं रहता है ध्यान टूट जाता है लेकिन ये प्रैक्टिस करने से मुसलसल सतत तो शब्द जो है वो अडोल यानी कि अटल हो जाता है वो अपनी पहाड़ अपनी जगह से हटता नहीं है। ऐसे शब्द जो है वो अटल अडग हो जाता है। ये वो शब्द है ये वो बोल है जो अनमोल है और इबादत के वक्त बोल की एकाग्रता ऐसी जगह लग जाती है कि कहा कि ना तो वहां जमी है ना आसमां है। सुरती शब्द का जहां है वासा जहां नहीं धरण नहीं आकाशा कि न जमी है न आसमां है शायद किनारों में इसे ही भमर गुफा या त्रिवेणी कहा गया है जो हमारी दो आंख के बीच की जगह पेशानी के बीच में ध्यान लग जाता है। आगे शम्स फरमाते हैं सुरती शब्द की गाठी गुलाई सुरती शब्द की गाठी गुलाई जो जल में जल दिया मिलाई हारे जो जल में जल दिया मिलाई।
एक समय अब दे ही छोटे एक समय अब दे शब्द की गांठी न टूटे तो ये सुरती शब्द की गांठी न टूटे। यही शब्द के बारे में आगे पिरशम फरमाते हैं कि जैसे पानी में दूसरा पानी मिला देने में आता है तो वो पानी दिखता नहीं है लेकिन एक ही हो जाता है, इसी तरह बोल का रटन और उसके ऊपर की एकाग्रता एक हयाली दोनों एक हो जाते हैं। सुरती शब्द की गांठी गुलाई ज्यों जल में जल दिया मिलाई। और फिर फरमाते हैं कि ऐसा हकीकती मोमन यानी ऐसी एकाग्रता वाला, ऐसा पक्का कि जिसका ख्याल शब्द के ऊपर से हटता नहीं है, टूटता नहीं है, कॉन्स्टेंटली वो जिक्र के शब्द के साथ में रहता है, ऐसा हकीकी मोमन जब जिस्म छोड़ता है ना जिंदारों, तो उसके साथ यानी उसके रूह के साथ उसके आत्मा के साथ वो रोशनी, वो शब्द जो नूर स्वरूप बन गया है वो उसके आत्मा के साथ चलता है। जैसे हजरत इमाम सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, दो फरमान मुबारक के अंदर मैं आपके सामने रखूं, मुड़ा फरमाते हैं खुदा ने बीक रखो, खुदा ने बीक रखो अने छेल्ला दम सुधी बीजो हरफ न निकले तेनी बीक रखो, इंशाअल्लाह हमेशा मुर्तजा अली ने याद करशो अने छेल्ला दम सुधी जिक्र करशो तो ते हाथ जालशे अने मदद करशे, छेल्ला दम सुधी जिक्र करशो तो ते हाथ जालशे अने मदद करशे। दूसरा फरमान सरकार सुल्तान मुशा फरमाते हैं, मौला ने फरमाया इत्मादी पीर सबजाली के लिए फरमाया कि इत्मादी सबजाली खुदा ने रहमत से पहुंचिया, तवज्जो देना मोमिनो, इत्मादी सबजाली खुदा ने रहमत से पहुंचिया ते वो हकीकी खुशहाली में गया छे, खानावदान खानावदान। यानी मोमिनो जो अपनी जिंदगी में इसमे आजम सत शब्द की प्रैक्टिस उसकी डिसिप्लिन के साथ हाजिर इमाम के फरमान की रोशनी में जो वो प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करते करते इबादत करते करते जब जिस्मानी जिंदगी का वक्त पूरा होता है तो वो नूर में एक हो जाता है। जैसे कलाम इमाम मुबीन सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह के फरमान का जो ग्रंथ है उसमें पार्ट टू में 1912 के एक फरमान में, कराची के फरमान में सुल्तान मोहम्मद शाह ने वारस साले को याद किया है। मौला फरमाते हैं कि वारस साले ने हवे तमें क्यारे नहीं जोई शको, वारस साले नूर मां मड़ी अने नूर थई गया छे, जेम एक हवा बीजी हवा मां मड़े, जेम एक नदी बीजी नदी नी अंदर मड़ी जाए, एम वारस साले नो जे रू छे ए नूर नी अंदर एक थई गयो छे। फिर फरमाते हैं कि वारस साले बंदगी घणी करता हता, उमर मां नाना हता, पण क्यारे पण अभिमान नहीं करियो, क्यारे पण अभिमान नहीं करियो तू। ये अभिमान के बारे में इंशाल्लाह आगे के पाठ के अंदर हम सुनेंगे। आगे पीर शम्स ब्रह्म प्रकाश में फरमाते हैं निज पद में देखे निज रूपा सो जन
मन जीवत मुगत स्वरूपारे सो जन जीवत मुगत स्वरूप निज पद की क्या कहूं महिमा परमा निज पद की क्या कहूं महिमा परमा कुछ कहूं तो भी मन है याने जो कोई खुद के अंदर खुद के असल स्वरूप हकीकत को देखता है वो बंदे खुदा बंधन मुक्त यानी आजाद हो जाता है। मैंने आगे फरमान नहीं दिया कि मौलाना सरकार सुल्तान मुहम्मद शाह ने फरमाया कि जेने पोता ने ओरख्यो तेने खुदा ने ओरख्यो खुदाना दरज्जा समझा अगाव पोताना दरज्जा ने ओरखो तो तमे आजाद थशो। बंदे खुदा बंधन मुक्त यानी आजाद हो जाता है। शम्स फरमाते हैं कि ये पद की इस दरजे की खूबी का क्या बयान करो क्योंकि जो बयान करने बैठो तो भी मन शर्मा जाता है। हाजिर इमाम ने जे फरमाया ना कि जे अनुभव तमे करशो इन्हें शब्दों में नहीं वर्णवी शको। गिनान में आया है ना गूंगे सपना पाया समझ समझ पछताये कि गूंगा एक सपना देखे और उसको एक्सप्लेन करना हुए तो कैसा कर सके वो नहीं कर सकता है क्योंकि वो शब्दों के अंदर आता ही नहीं है लेकिन वो सपने को याद कर कर करके और उसकी लुत्फ और उसकी मजा लेता है। मोमिनों मैंने जो शुरुआत में हजरत इमाम सुल्तान मुशा का फरमान दिया कि जड़े पोता ने ओरख्यो यानी खुदा ने ओरख्यो और हाजिर इमाम ने फरमाया ना कि बैतुल ख्याल वो एक पर्सनल खोज है इंडिविजुअल सर्च है। इन चीजों का बयान आगे दूसरे पाठों में भी आएगा। आगे फिर शम फरमाते हैं सुजत आखा तीने हीरा पाया सुजत आखा तीने हीरा पाया अंधे को इतबार न आया रे अंधे को इतबार न आया हीरा बांधिया गठड़ी माही हीरा बांधिया गठड़ी माही क्या भया अंधे मान्या नहीं हरे क्या भया अंधे मान्या नहीं। दिनदारों हमारे कई गिनानों में
और हजरत इमाम सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैह और मौलाना हाजर इमाम के फरमान मुबारक में सच शब्द यानि बोल यानि इसमें आजम की अहमियत बताने में आई है। जैसे बैतुल ख्याल के फरमानों में हजरत इमाम सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया ना कि तुम्हारी हालत में देखता हूं कि एक गधे के गले में सच्चा हीरा पड़ा है, उसे कदर नहीं है, तुमने हीरे को तिजोरी में बंद करके रख दिया है। थोड़ा सख्त फरमान लगता है, लेकिन दीदारों अब तवज्जो दे कि इमाम की वेदना इन अल्फाजों के अंदर नजर पड़ती है कि हमें जो चीज इनायत करने में आई है, हमें जो शब्द इनायत करने में आया है, वो कितना अजीम है, कितना करामत वाला है, कितना फायदे वाला है, लेकिन इस्तेमाल करो तो, और इस्तेमाल ना करो तो सरकार सुल्तान मुशा ने फरमाया कि उसे तुमको उसकी कदर नहीं है, तुमने हीरे को तिजोरी में बंद करके रख दिया है। आगे फिर शम्स फरमाते हैं, जिसकी सही हकीकी आंख है वो उस अनमोल हीरे को पाया है उसको पहचान सकता है। सूजत आंखा तिने हीरा पाया, पर अंधे को एतबार न आया। जिसकी दिल की आंख अंधी है वो इस हीरे की कदर नहीं कर सकता है, उसे यकीन नहीं आ सकता। गठड़ी में हीरे बंधे हैं लेकिन परख नहीं है, तो वो हीरे पास में पड़े हुए तो भी क्या फायदा है। फिर शम्स फरमाते हैं, बिना सुनी का ए देखे बताया, बिना सुनी का ए देखे बताया, सुने बगैर किए बातें, ये बातें मैं हकीकी आंख से देख के तुम्हें बता रहा हूं और अलग अलग खुलासे करके मैं तुम्हें समझा रहा हूं। बिना सुने का ये देखी बताया, भिन्न भिन्न करके समझाया कि सखी वेद किताब माहे ए गम नाही, कि वो किताबों के अंदर ये चीजें नहीं मिलेंगी। ये पर्सनल सर्च की बातें, ये इंडिविजुअल व्यक्तिगत अनुभव की बात। मोमिनो ये अनुभव सैयदा बीबी इमाम बेगम ने भी किया था, वो अपने गिनान के अंदर लिखती है, मुख बिना गाये ने सरवण बिना सुनिए जी, मुख बिना गाये ने सरवण बिना सुनिए जी, बिन करताल बजाए जपता रहिए, हर दम जपो पीर शनु जाप, हर दम जपो पीर शनु जाप, जपंता रहिए, हर दम जपो पीर शनु जाप। हाजरे इमाम जुमला जमात को सुखी सलामत आबाद रखे और मौला रूहानी रोशनी नसीब करे। गुरु जमात है जिंदा। सलवात पढ़ो, अल्लाहुम्मा सले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।